नमस्कार साथियों, पिछले काफी समय से कोई वीडियो लेकर आपके सामने नहीं आ सका। पहले निर्वाचन कार्यों में व्यस्तता थी, फिर अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्तता थी। अनेक आप लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं कि वीडियो भेजते रहें, तमाम विषय भी आप लोगों के द्वारा सुझाए जाते हैं। विश्वास रखिए, आगे बहुत जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिलेंगे और राजस्व संबंधित तो लगभग हर विषय को छूने का प्रयास करेंगे। आज हम आप ही लोगों के द्वारा जानकारी जो चाही गई है उस टॉपिक के विषय में बताना चाहेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर चकबंदी खत्म हो गई, अब हम जा करके अपने अभिलेख देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो कैसे हम अपने अभिलेख को देखें। तो उसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब चकबंदी खत्म हो जाती है और धारा बावन ने का प्रकाशन कर दिया जाता है गाँव में, तो जो अभिलेख हम जमा करते हैं उनको जो चकबंदी आकार पत्र 45 और 41 कहते हैं। सामान्यतया जो 45 में खाता संख्या होती है, जब तहसील में नई खतौनी बनती है तो वही खाता संख्या होती है। लंबी अवधि में हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन अगर आपको अपनी तहसील की खतौनी का खाता भी नहीं पता है, आपको केवल ये पता है कि हमारा नाम है और हमारे नाम में जमीन होनी चाहिए, तो हम एक उदाहरण के तौर पे बताएंगे कि कैसे आप अपने अभिलेखों से, यानी जो चकबंदी आकार 45 से 41 को और 41 से चक को, चक से 11 को और 11 से खतौनी को पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं, वो हम बताना चाहते हैं और आप लोगों में से कई के द्वारा ये मांग भी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे पास एक गांव की जिल्द है और इसमें मान लीजिए ये जो चकबंदी आकार पत्र 45 है। हमारे पास कोई विवेक कुमार आते हैं और वो ढूंढना चाहते हैं कि 45 में अपना खाता ढूंढना चाहते हैं। अभी हम ये मान के चलें कि विवेक कुमार को ये भी नहीं पता कि उनका खाता संख्या 437 है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि जैसे जब भी ये बनती है तो जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि अल्फाबेटिकली कोई चीज लिखी गई है, उसी तरीके से कोई भी जिल्द जब बनाई जाती है, अभिलेख बनाए जाते हैं, तो रदीप के क्रम में लिखे जाते हैं। रदीप का मतलब कि जो काका काका का अल्फाबेट है उसके क्रम में बनाए जाते हैं। और इसमें अगर हमें नाम देखना है तो जैसे पापा बाबा माँ है तो पा के बाद ये वाह आ गया, और मान लीजिए कोई विवेक गए तो उन्होंने जब रदीप के क्रम में अपना नाम ढूंढेंगे तो विवेक मिल जाएगा। और इसके बाईं ओर सबसे पहले लिखा है खतौनी खाता क्रम संख्या, यानी 45 की इनकी खाता संख्या 437 है। अब इसमें लिखा हुआ है नई गाटा संख्या जो इनकी 402 और 455 है, जिसमें रकबा 0.307 हेक्टेयर और 0.262 हेक्टेयर लिखा हुआ है। अब इन्हें 41 देखना है और विशेष विवरण में देखिए 441 लिखा हुआ है। ये विशेष विवरण जो है वैसे तो आदमी की चक संख्या को दर्शाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 402 और 455 लिखा है, हम उनको देखना चाहें तो 402 को हम देखते हैं सबसे पहले। और ये देखिए ये 402 गाटा संख्या आ गया जिसमें रकबा 307 लिखा हुआ है, और ये किन गाटा संख्या से बना हुआ है वो भी आगे लिखा हुआ है, यानी पुरानी गाटा संख्या इनकी क्या थी, 242 से 0.179 हेक्टेयर भूमि और 243 से कितनी भूमि आई, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और पेंसिल से चक संख्या भी लिखी हुई है कि इसकी चक संख्या 441 है। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा गाटा देखें 402 के अलावा, वो 455 है, और 455 देखिए ये लिखा हुआ है 455 रकबा 0.262 हेक्टेयर, और ये बना हुआ है पुरानी गाटा संख्या 311 और 312 से। और ये देखिए यहाँ पे चक संख्या लिखा हुआ है 401। तो अब हम जो चकबंदी आकार पत्र 23 खोलें, और 23 ये जो चकबंदी आकार पत्र 23 है इस गांव का, हम जो चकबंदी आकार पत्र 23 खोल रहे हैं तो 23 का अगर हम 441 चक देखते हैं तो ये देखिए विवेक कुमार पुत्र राधा रमन निवासी ग्राम लिखा हुआ है। निवासी ग्राम का मतलब कि ये ग्राम गुलाब नगर के ही निवासी हैं। अब इसमें कॉलम 5 में लिखा हुआ है कि जो चकबंदी आकार पत्र के 11 के किस खाता संख्या से इनका कितना कितना अंश आया है, यानी कि 23 हमारा ये हो गया
अभी जो हम पुरानी घाटा संख्या बता रहे थे कि 242 और 243 से बना है, या दूसरी वाली हम बता रहे थे 311-12 से बना है, वो आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे ये 455 जो है 311-12 से बना है, वो देखिए ये दिखा रहे हैं 311 और 312 से बना है, 0.262 एयर रखवा है। और यहाँ पर भी देखिए 0.262 एयर रखवा है। यहाँ पर 311 में 023 रकवा प्रदिष्ट हुआ है, लिखा हुआ है पुरानी घाटा संख्या से कितना रकवा प्रदिष्ट किया गया। इसी प्रकार से यहाँ 312/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कितना रकवा प्रदिष्ट किया गया। जब हम चक देख लेते हैं, चक के बाद हमने देख लिया कि 11 में अगर हम कोई चीज देखना चाहें कि अंश कितना निर्धारित हुआ था या कोई अंश संबंधी विवाद है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि खाता संख्या 66 है, 199 है, 235 है और 246 है, इनसे आया है। उदाहरण के तौर पर हम ये जो चकबंदी आकार पत्र 11 है हमारे पास, जो चकबंदी आकार पत्र 11, और 11 का जब हम 66 खाता संख्या खोलते हैं तो 66 में ये जोगराज शर्मा और ये विवेक कुमार पुत्र राधा रमन लिखा हुआ है, और इनका अंश भी यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम 8 में 1/4, यानी कि जो चकबंदी आकार पत्र 66 खाते के 1/4 भाग के मालिक विवेक हैं, जिसका जिक्र यहाँ हमारे जो चकबंदी आकार पत्र 23 पर भी हो रहा था। इसी तरीके से अगर हम खतौनी में देखना चाहें कि आदेश किसने किया है या क्या आदेश है, तो यहाँ पर कॉलम 7 में देखिए खतौनी खाता संख्या भी लिखी हुई है, जो लिखी हुई है 71, और इस गांव की ये खतौनी खाता संख्या खतौनी हमारे पास उपलब्ध है। तो इस खतौनी में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 71 में जोगराज शर्मा विवेक कुमार पुत्र राधा रमन इनका नाम आ जाता है और वो घाटे आ जाते हैं। इसका मतलब समझाने का ये है कि अगर आपको अभिलेख के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो चकबंदी आकार पत्र 45 में अपना नाम ढूंढ लेते हैं, तो इससे आप जो चकबंदी आकार पत्र 41, जो चकबंदी आकार पत्र 23, जो चकबंदी आकार पत्र 11 और अपने खतौनी खाता संख्या, इनके बारे में भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसको ढूंढ सकते हैं। विभिन्न न्यायालयों से क्या आदेश पारित हुए हैं 23 पर, 11 पर या खतौनी पर, उनको भी आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई वकीली सहायता नहीं भी मिल पाती है, तब भी आप स्वयं अगर मुआयना करना चाहें तो आप अपने अभिलेखों में देख सकते हैं कि आपको जो 45 मिला है या नहीं भी मिला है, आपको अपना नाम पता है तो आपका 45 का खाता संख्या क्या है, उसमें 41 की घाटा संख्या क्या है, वो पुरानी किन घाटाओं से बना था, वो पुराने किन खाता से आया था, किसका कितना अंश था, ये सारी चीजें आप इस प्रकार से अभिलेखों में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको अभिलेखों को देखने में मदद मिलेगी। बहुत ही जल्दी दूसरा कोई सार्थक वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।